हर साल की तरह इस बार भी नौशहर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपना समूह ने गांधी प्रतिमा रिगल तिराहा स्थित प्रदेश का सबसे बड़ा ध्वजारोहण किया। इस बार ध्वज को लहराने का कार्य निर्भया के माता पिता और उसे न्याय दिलाने वाली साहसी अभिभाषक के हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर उन्हें सम्मान निधि और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वैसे तो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर शनिवार को इंदौर में सैकड़ों स्थानों पर ध्वजारोहण के कार्य संपन्न हुए, लेकिन इंदौर शहर के रिगल तिराहा पर आयोजित अपना समूह का ये अनूठा आयोजन अपने आप में हर साल निराला ही रहता है। इंदौर के रिगल तिराहा का विशाल ध्वजारोहण इंदौर के साथ साथ मध्य प्रदेश और देश में भी अपनी एक अलग पहचान स्थापित कर चुका है। प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर अपना समूह तिरंगा अभियान द्वारा आयोजित विशाल ध्वजारोहण में देश के कोने कोने से उन हस्तियों को शामिल किया जाता है जिन्होंने देश और देशवासियों की रक्षा में अपनी जान न्योछावर की हो। वीरता और साहस का परिचय देते हुए देश को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया हो। अपना समूह तिरंगा अभियान समिति ने वर्ष 2020 के इस गणतंत्र दिवस पर देश की बेटी दिल्ली की निर्भया के माता पिता के साथ इंसाफ की जंग का नेतृत्व कर रही एडवोकेट सुश्री सीमा कुशवाहा को ध्वजारोहण के लिए आमंत्रित किया। निर्भया देश की वो बेटी रही जिसने दरिंदगी का दर्द अकेले सहते हुए हिंदुस्तान को दरिंदों के खिलाफ लड़ाई में एकता के सूत्र में पिरो दिया। 26 जनवरी को रिगल तिराहा पर इन महान हस्तियों के हाथों अपना समूह का ध्वजारोहण कार्य हुआ। इस साल निर्भया के माता श्रीमती आशा देवी और पिता बद्रीनाथ जी के अलावा अभिभाषक सीमा कुशवाहा ने ध्वजारोहण किया। और सुरेंद्र जी से कहूंगा कि वो हमारे युवाओं के जोश को ठंडा न करने दें। ध्वजारोहण के बाद कुछ देर के लिए जमकर गीत संगीत का दौर भी चला। इस दौरान अभिभाषक सीमा कुशवाहा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। वहीं अपना समूह ने वहां मौजूद लोगों को एक छोटी सी शपथ भी दिलाई। गानों में सड़कों के गड्ढों में बातों
के अटोल आज भर ले दस बार बार कर ले रहना यार पीछे नाम कोई नहीं है बस है राम बस है जी जिद है तो जिद है बाद निर्भया की माता श्रीमती आशा देवी और पिता बद्रीनाथ जी के अलावा अभिभाषक सीमा कुशवाहा ने मीडिया से भी अपनी बातें साझा की। वहीं इस पूरे कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार समाज सेवी अपना समूह के संचालक पप्पू भैया ने भी मीडिया से बात की। इसकी खास वजह है कि हमारे इंडिया में कानून तो है, 100 साल पुराने चल रहे हैं, कोर्ट चल रहे हैं, कानून चल रहे हैं, लेकिन इसका खास ही वजह ये है कि चाहे कितना भी बड़ा क्राइम हो लेकिन हमारा कानून हमारा सिस्टम अपने रफ्तार से चल रहा है और उस कानून में कोई बॉन्ड टाइम नहीं है जो इस वजह से किस केस लंबा खींच रहा है और जो ये बॉन्ड टाइम नहीं है अनलिमिट टाइम है वो मुजरिमों को सपोर्ट कर रहा है। खास टाइम पे इस टाइम निर्भया केस में इतनी बड़ी चुनौतियाँ हैं जो एक ह्यूमन राइट संस्था है, पूरा इंटरनेशनल संस्था है, ये सरकार से फंड लेता है, बाहर से फंड कराता है और ह्यूमन राइट का नाम करता है और ये सिर्फ और सिर्फ मुजरिमों का सपोर्ट करता है, क्रिमिनलों का सपोर्ट करता है। तो मेरे को सरकार से गुजारिश है कि इस संस्था का जांच की जाए क्योंकि ह्यूमन राइट के नाम पे ये अपना बिजनेस चलाते हैं और अपने इंडिया बाहर से फंड लेके अपने इंडिया में हिंसा फैलवाते हैं कि उनका बिजनेस चलता रहे। बाकी मैं इंदौर में दोबारा आई हूँ, मैं इंदौर के वासियों से ये कहना चाहती हूँ कि जो वो 2014 में प्रकाश जी द्वारा चलाई गई मुहिम वो चलाए थे, आज मैं सबको एक एक जने को कहना चाहती हूँ, एक एक आदमी को कहना चाहती हूँ कि आपकी वो मुहिम आज साक्षर हो गई, निर्भया को अब इंसाफ जल्दी मिलेगा, 1 फरवरी को उनको फांसी होगी। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि लोग कोई काम को अगर अच्छा देखते हैं तो कहते हैं कि ये लाखों में एक है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि इंदौर एक ऐसा देश है जो हजारों में एक है, क्योंकि मैं बहुत देशों में गई, जितना इंदौर में मुझे मान सम्मान मिला कहीं नहीं मिला। मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली में घटना हुई थी, दिल्ली में बच्ची का जन्म हुआ था, लेकिन दिल्ली में मुझे 15 अगस्त को 26 जनवरी को कभी नहीं किसी ने नहीं पूछा, लेकिन इंदौर में मैं दोबारा झंडा फहराई हूँ, दोबारा आई हूँ। तो मैं इंदौर के लोगों को खासकर प्रकाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो अगर निर्भया को आज इंसाफ मिला है तो हम 7 साल संघर्ष किए हैं, सीमा ने 7 साल संघर्ष किया है, लेकिन इसमें इंदौर के वासियों को प्रकाश जी का बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। देखिए चुनौतियों की अगर मैं बात करूँ तो मैं खुद एक फीमेल हूँ, तो डेफिनेटली कि जो 2012 में निर्भया के साथ जो घटना हुई थी, वो डॉक्टर थी हमारी बहन, उसको इस तरीके से प्रताड़ित करके उसके साथ जो दुष्कर्म किया गया उसको एकदम से ख़त्म कर दिया, बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया, उनके साथ जो घटना हुई वो हमारे देश की राजधानी में हुई, दिल्ली में। तो मुझे भी कहीं ना कहीं ये कभी ना कभी ये एहसास होता था कि निर्भया के साथ अगर ये हो सकता है हमारी ज्योति के साथ, तो ये घटना सीमा के साथ भी हो सकती है। जब केस को इसको मैंने करना शुरू किया, जब ये केस पेंडिंग था सुप्रीम कोर्ट में, अंकल आंटी जी से हमारी बात होती थी, कहते थे कि बेटा समझ में नहीं आ रहा मेरा केस कहाँ है और क्या आगे होगा, क्या उन दोषियों को सजा मिलेगी। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने भाग दौड़ की आंटी अंकल के साथ सुप्रीम कोर्ट जाकर के लिस्टिंग करवाना केस की, लेकिन समझना ये पड़ेगा कि जो हमारे सिस्टम की खामियां हैं उन पर बात तो होना शुरू हुई है, लेकिन
वो एक्शन में नहीं है, उन पर काम नहीं हुआ है, बात हुई है काम नहीं हुआ है। तो जब भी जब आप समझ सकते हैं कि जिस केस की लिस्टिंग में एक साल सुप्रीम कोर्ट में लग गया, वो बेटी देश को कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि लिस्टिंग में एक साल लगेगा तो जस्टिस मिलने में तो नॉर्मल केसेस में 15-20 साल लगेगा। इस तरीके से एक केस डिले होता चला गया। इवन कि हम बात करें कि जब हम ये जहां से एग्जीक्यूशन का वारंट इशू हुआ है उस कोर्ट में होते थे, तो जो पर्टिकुलर एक आइडियोलॉजी को बिलोंग करने वाले जो एडवोकेट हैं, उनका मानना है कि देश में फांसी की सजा खत्म कर दी जानी चाहिए और निर्भया के जो कन्विक्टेड हैं उनको भी फांसी ना मिले। तो कहीं ना कहीं उन्होंने घेरने की ये कोशिश की कि नहीं, इनके वकीलों को भी अगर हम परेशान करेंगे तो शायद ये पीछे हट जाएंगे, लेकिन वो इसमें असफल रहे, वो हमें हरा नहीं पाए, बल्कि वो अब हार चुके हैं। और उन कन्विक्टेड को जो चार हैं निर्भया के साथ जिन्होंने ये इतनी बर्बरता की थी, उनको जल्दी ही फांसी पर टांगा जाएगा। मैं एक और बात कहूँगी कि जो भी ये हमारे लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट मानी सर्वोच्च न्यायालय में, जो पर्टिकुलर एक आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं कि कन्विक्टेड का ह्यूमन राइट्स है, अभी तक मैंने जितनी भी स्टडी की है मैंने यही पढ़ा है कि मानवाधिकार की जो परिभाषा है वो ये है कि व्यक्ति को डिग्निफाइड लाइफ मिले, अच्छी हेल्थ, एजुकेशन, शिक्षा, सारी चीज़ें हों। लेकिन कन्विक्टेड को जो इतने बड़े रेयर ऑफ रेयरेस्ट मैटर में जो अपराधी हैं, उनके ह्यूमन राइट्स कहाँ से आ गए? इसका मतलब ये है कि ये लोग हमारे सिस्टम पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, और इनका मानना है कि अगर जुडिशरी निर्भया के दोषियों को सजा देने वाली है, उनको हैंग किया जाएगा, तो अगर हम इनको रोक लेंगे, इनको बचा लेंगे, तो जो लोगों की, देश की जो आबादी है, उनको एक उम्मीद अपने सिस्टम में जगी है, वो फिर से हताश होंगे और फिर से हमारे देश के अंदर अस्थिरता पैदा होगी कि यहाँ की जुडिशरी बिल्कुल वर्क ही नहीं करती है, यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है, सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। तो उनकी जो मंशा है वो हम पूरी नहीं होने देंगे। आंटी जी ने, अंकल जी ने हमेशा ये आवाज़ उठाते हैं, इंदिरा जयसिंह जो सीनियर मोस्ट लॉयर है, मुझे तो लगता है कि उन्होंने तो हमारे प्रोफेशन की गरिमा को भंग किया है। क्या उनको इतना समझ में नहीं आया है कि जिस सर्वोच्च न्यायालय ने उनको 3 बार सुना, SLP डिसमिस हुई, क्यूरेटिव पिटीशन डिसमिस हुई, रिव्यू डिसमिस हुआ, ट्रायल कोर्ट ने उनको अवॉर्डेड किया था डेथ सेंटेंस से, हाई कोर्ट ने कंफर्म किया, इवन कि हमारे राष्ट्रपति ने उन चारों में से एक कन्विक्टेड की जो मर्सी पिटीशन है वो भी रिजेक्ट कर दी। उसके बाद आप किसको चैलेंज कर रहे हो, आप क्यों माफ़ी की बात कर रहे हो? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और अगर मुझे लगता है कि जो लोग इनके माफ़ी की बात कर रहे हैं और उनको सुधार करना है, उनको मानवाधिकार अगर दिखते हैं, तो पहले हमारी जो देश की बेटियां हैं उनके मानवाधिकार की बात करें। अगर मेरे देश की एक भी बेटी के अगेंस्ट क्राइम होगा तो हम अगेन निर्भया के कन्विक्टेड को तो फांसी दिलाएंगे, हम उसके लिए भी प्रतिबद्ध रहेंगे कि उनको भी फांसी पे चढ़ाएंगे। और जो ह्यूमन राइट्स की बात करें, पहले मेरी देश की बेटियों को सुरक्षित करें। हमें किसी को फांसी पर चढ़ाने का शौक नहीं है, हम नहीं चाहते कि इस देश में जो लोग क्राइम नहीं करते हैं उनके साथ कोई, क्यों यहाँ तक उनको सजा मिलेगी, लेकिन जो इतना हीनियस क्राइम करेंगे उनको कैसे भी बख्शा नहीं जाएगा। और उम्मीद करती हूँ कि मेरी जो बहन है निर्भया, उसको जल्दी ही न्याय मिलेगा। विडम्बना देखिए कि जिस बेटी को हम लोग बचा नहीं पाए, अब जब उस बेटी को न्याय मिलने जा रहा है तो आप उन अपराधियों को बचाने की बात कर रहे हो, इससे शर्मनाक बात क्या होगी? तो हम सभी देशवासी, मुझे लगता है कि निर्भया के लिए हमेशा खड़े रहे, और आप सभी लोगों के सहयोग से जिस तरीके से आवाज़ बने, एक देश के अंदर डिबेट पैदा हुई है कि डिस्कशन हुआ होने लगा महिला मुद्दों पर, जो बहुत ज़रूरी है। और मैं तो कहती हूँ कि अंकल आंटी जी ने जो मुहिम चलाई है कि हमारी बेटी को न्याय मिल जाए, उसके बाद अभी भी ये काम करते ही हैं कि उसके बाद हम इंश्योर करेंगे कि इस देश की हर बेटी सुरक्षित हो, ये हमारा एक संकल्प है आज 26 जनवरी को, और जिसको हम लोग आगे आने वाले भविष्य में पूरा करेंगे। जी, हमारा नाम सीमा कुशवाहा हमारा नाम है जी। थैंक यू। ये भारतीय ध्वज संहिता का मानक स्तर का सबसे विशाल तिरंगा है, 14x21 इसका साइज है। हर साल हम इसका ध्वजारोहण 15 अगस्त और 26 जनवरी करते हैं, और हर साल ऐसी हस्ती को, देश की ऐसी हस्ती को इस झंडे की बागडोर देते हैं जिनने इस देश के लिए, इस समाज के लिए एक प्रेरणा का काम किया और देश के लिए कुछ नई दिशा देखी हो। और इस बार हमने निर्भया के माता पिता और जो वकील है सीमा कुशवाहा, उनको इन्वाइट किया हुआ है, और ध्वजारोहण हुआ है, और बाकी सब आप देख ही रहे हैं।
इस प्रकार का संदेश देना चाहते हैं? बस इंदौर से कोई आवाज़ उठती है तो अंजाम तक पहुंचती है सर, और ये निश्चित रूप से 2014 में जब ये यहाँ आए थे, जब हमने बहुत बड़ा एक कैंपेन चलाया था और हमने इन्हें विश्वास दिलाया था कि ये आवाज़ आखिरी तक जाएगी, और आप अंत करीब है, आप भी सब देख रहे हैं, मैं भी अखबार पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते हैं, अब अंत करीब है सर। थैंक यू सो मच। इस मौके पर अपना समूह तिरंगा अभियान द्वारा निर्भया के एनजीओ को 51,000 रुपए का अनुदान दिया गया। साथ ही एडवोकेट सुश्री सीमा जी को 51,000 रुपए की राशि व प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। जोरदार तालियां निर्भया के माता पिता और अब रंजन से को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप सभी तिरंगा प्रेमी हैं, देश प्रेमी हैं, तो आइए 1 फरवरी का हमें इंतजार है, 1 फरवरी का। अब मैं सीमा कुशवाहा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना सम्मान इन दोनों मात्र शक्तियां पूरा किया, अपना समूह और तिरंगा अभियान के ये महिला शक्तियां हैं। जोरदार तालियां निर्भया के माता पिता और हमारे वकील साहिबा सीमा कुशवाहा जी को। रंजन सिंह को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप सभी तिरंगा प्रेमी हैं, देश प्रेमी हैं, तो आइए आज हम देश के लिए एक शपथ लेते हैं। सबसे पहले मैं प्रकाश भाई साहब जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। बहन बाला कारिया जी, निर्भया के माता पिता और हमारे इंदौर वासी सभी भाई बहनें, माताएं, बड़े बच्चे, बुजुर्ग, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और इस गणतंत्र दिवस पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयां। सबसे पहले मैं एक ही बात कहूंगी कि आज हमें 70 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, कितने गणतंत्र दिवस हमने मना लिए। आज के ही दिन हमारे देश का जो सबसे बड़ा दस्तावेज है, जिसको हम भारतीय संविधान कहते हैं, उसको लागू किया गया कि हमारा देश अब किसी के अधीन नहीं है, हम स्वतंत्र हैं और हम अपना रूल रेगुलेशन बनाएंगे और उसके अनुसार ही हम अपने पूरे सिस्टम को, संस्थाओं को, देश को संचालित करेंगे। लेकिन विडंबना एक इतनी बड़ी है कि हमने अपना संविधान बना लिया, हमने सिस्टम बना लिया, हमने सारी चीज़ें बना ली, हम अंतरिक्ष में पहुंच गए, लेकिन मेरा देश अभी भी, इवन कि हमारी बेटियां अंतरिक्ष में पहुंच गई, लेकिन देश की 49% जो आबादी है महिलाओं की, उनको लेकर के आज भी हम सदियों साल पीछे हैं। और ये सदियों साल पीछे है इसका जीता जागता उदाहरण है, आज से 7 साल 1 महीने पहले दिल्ली, जो हमारे देश की राजधानी है, कैपिटल है हमारी, वहां पर ज्योति नाम की एक बेटी, जिसको आज हम निर्भया नाम से जानते हैं, उसके साथ 6 लोग बलात्कार करते हैं, हत्या करते हैं उसकी, और उसकी पूरी बॉडी को खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उनके माता पिता जब उनसे मिलते हैं हॉस्पिटल में, तो वो देखते हैं कि क्या मेरी ये वही ज्योति है जो हंसते हुए अपनी माँ को बाय करके गई थी कि मम्मी हम आ जाएंगे शाम तक, हम बाहर घूमने जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए। और उस बेटी को 7-8 घंटों बाद वो देखती हैं कि इतनी उसकी हालत खराब कर दी। क्या इस देश की बेटियां इंसान नहीं हैं? सवाल ये है, हमें ये समस्या नहीं है कि मेरे भाइयों को मौका नहीं मिले आगे बढ़ने का। कार्यक्रम में गीत संगीत का दौर भी चला। इस बीच निर्भया के माता पिता और अभिभाषक सीमा कुशवाहा वहां से विदाई लेकर चले गए, लेकिन ले गए हैं अपने दिल में इंदौर की सुनहरी यादें, जो वे कभी भूल नहीं पाएंगे।
क्योंकि इस साल का ये ध्वज अपने आप में इस बात के लिए भी अनूठा रहा कि निर्भया को सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिल चुका है, उन आरोपियों का डेथ वारंट जारी हो चुका है और जल्द ही वे फांसी के फंदे पर झूल जाएंगे। इस बात की जानकारी पूरे देश में फैल चुकी है और ये जानकारी इंदौर से छुपी नहीं है, लिहाजा ध्वजारोहण के बाद भी गीत संगीत का दौर काफी देर तक इसी तरह जारी रहा। Oh,
दोपहर न्यूज़ के लिए इंदौर से अपनी टीम के साथ एडिटर राजेश पिपलोदिया की खास रिपोर्ट।